लोग मेरे विश तिवारी ब्लॉग चैनल में आप लोग का स्वागत है। और ऑफिस के जितना वर्क होता है डेली रूटीन में वो पूरा हो चुका है। और चलिए एक केस स्टडी आया हुआ है, एक एसर का लैपटॉप है जो कि उसका दोनों हिंज ब्रेक हो चुका है, यानी कि टूट चुका है। एसर ब्रांड का मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए ये एसर का लैपटॉप है जिसका दोनों हिंज दोनों साइड से टूट चुका है। चलिए इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि कहाँ तक सफल होता है। वर्क आया हुआ है तो करना ही है और करके भी दिखाएंगे हम लोग। चलिए टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है इसको ओपन करके, और उसके बाद इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कैसे रिपेयर कर रहे हैं इसको। ये एसर का है, देख रहे हैं आप लोग, एसर ब्रांड का लैपटॉप है ये, जो कि दोनों तरफ का हिंज इसका जो है वो डैमेज हो चुका है और खोलने में भी पूरा देख रहे हैं ना, पूरा एकदम देख रहे हैं ना, यहाँ पर यहाँ देखिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ इधर साइड से भी और इधर साइड से भी दोनों साइड से डैमेज हो चुका है। चलिए टेबल पर दिखाते हैं आप लोगों को रिपेयर करके कैसे रिपेयर होता है, कितना तक सक्सेस हो रहा है। चलिए चलते हैं टेबल पर। चलिए यही देखिए एसर ब्रांड का लैपटॉप है जो कि दोनों हिंज जो है इसका डैमेज हो चुका है। कोशिश करेंगे इसको ठीक करने के लिए और काफ़ी जाम है। मैं पहले इसको ओपन कर लूं। मैंने ओपन कर लिया इसको और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए और ये देखिए, यानी कि दोनों साइड से जो है ये डैमेज हो चुका है। दोनों साइड का जो इसका हिंज है वो डैमेज हो चुका है, देखिए दोनों निकल गया। पहले तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट है, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए कितना डस्ट पड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, डस्ट के चलते काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने का चांसेज यही रहता है, क्योंकि ये जाम हो चुका है, काफ़ी जाम है। थोड़ा सा अनुमान से इसको थोड़ा सा ढीला कर देंगे, मैंने इसको ढीला कर दिया और ये मूव होने लगा। ज़्यादा भी ढीला नहीं करना है, नहीं तो यूजर अगर ऐसे जब भी बंद करेंगे लैपटॉप को, पैनल को बंद करेंगे तो डायरेक्ट गिर जाएगा कीबोर्ड पर। दोनों के दोनों डैमेज हो चुका है और काफ़ी इसमें कार्बन पकड़ लिया है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इसमें घर्षण पैदा हो रहा है, इससे अंदाज़ा लग रहा है कि ये आपका थोड़ा सा वायल इसमें डाल देंगे जिससे कि ये वायली हो जाए, क्योंकि जो भी जंग होगा वो काफ़ी हद तक छोड़ देगा। खूब अच्छे तरीके से इसको मूव करेंगे पहले। पहले क्या करते हैं कि इसका स्क्रीन निकाल लेते हैं, क्योंकि पैनल से ही तो है नहीं,
इसका स्क्रीन निकालना ज़रूरी है, अगर नहीं निकालेंगे आगे भी कुछ ढंग से फिक्स नहीं हो पाएगा। और तीसरे का तो है ही, फिर उधर इधर भी उसी तरीके से करेंगे, चेक कर लेंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। चलिए एक मिल गया इधर साइड में भी, क्योंकि इसके साथ में प्लास्टिक लगा हुआ है ना तो टूटा हुआ है, तो उससे अंदाजा लग जा रहा है इजी वे में कि कौन सा प्लास्टिक जो है इसके साथ में लगा हुआ है, कौन सा बोल्ट लगा हुआ है। तो बोल्ट तो सबका सेम ही होता है, बोल्ट जो है इसका सबका सेम ही होता है, कोई अंतर होता नहीं है, बस सिर्फ खांचा मिला लेना है। चलिए मैं आप लोग को इसको फिक्स करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने 6 पॉइंट था, 3 इधर था और 3 इधर था, तीनों को मैंने फिक्स कर दिया। और फिक्स करने के बाद अब इसको जिस तरीके से मैंने निकाला था उसी तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे कि फिक्स कर देंगे, इसको भी जिस तरीके से लगा हुआ था उसी तरीके से। कंपनी की तरफ से एडजस्टमेंट दिया रहता है और काफ़ी सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने स्क्रीन को निकाल दिया था कि अगर स्क्रीन निकाल देंगे तो और भी स्पेस बनेगा और अच्छे तरीके से काफ़ी कम समय में इसको आदमी फिक्स कर सकेगा। चूँकि और अब क्या करेंगे हम लोग हिंज को एक बार जो भी इसका डस्ट निकला हुआ है इसको पोंछ देते हैं। काफ़ी हिंज में कचरा था, इसको बारी बारी से अब कस लेंगे, जितना पॉइंट है जितना नट है सबको बारी बारी से लगा लेंगे।
थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि भाई परफेक्ट तरीके से बैठ जाए, जिससे कि और भी आसानी हो जाए। देख रहे हैं ना, बेजल लेस है ये, इसको हम लोग बेजल लेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बेजल होता है वो होता ही नहीं है, एकदम पतला होता है। चलिए मैं इसको फिक्स करके कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए मैंने पैनल लगा दिया, अब क्या करना है कि इस पैनल को, जो बैक पैनल होता है, इसको बैठा देंगे। इसमें पूरा कंप्लीट कसा गया है, जो हमने काम किया वो सक्सेस हुआ कि नहीं ऐसे मैंने चेक कर लिया है, आप लोगों को दिखाना है। देखिए एसर का दिख रहा है ना, एसर लिखा हुआ, काफी पतला लैपटॉप है। चलिए देखिए अपना लैपटॉप जो है ये रेडी हो गया। देखिए इसके मेन टूटने का जो रीजन होता है ना, कुछ कुछ मॉडल में, मैं एक बार ऑन करके देखूं, विंडोज 10 इंस्टॉल है और काफ़ी अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। जिस हिसाब से टूटा हुआ था उस हिसाब से तो लग रहा था कि अब कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा कि टूटा हुआ है। दिख रहा है ना, कहीं भी आपको थोड़ा सा भी लेकिन नहीं लगेगा। अब देखिए इसके टूटने का रीज़न क्या है, कुछ ऐसा अटपटा मॉडल बन गया है, कंपनी बना दिया है कि जिसके कारण, और इस टाइप के मॉडल में आप ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं पहले इसको शट डाउन कर लूँ, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो लैपटॉप है, ठीक है ना, इसका जो पैनल का जो डिज़ाइन बनाया है, देखिए ये लैपटॉप से बाहर की तरफ बनाए हुए है, ये जो है लैपटॉप से बाहर की तरफ बनाया हुआ है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि ये देखिए, जब इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए कितना फर्क आ गया बॉडी से, देख रहे हैं ना बॉडी से कितना फर्क आ गया, ध्यान से आप लोग देखिए बॉडी से कितना फर्क आया हुआ है, देख रहे हैं ना। अगर ये ऊपर के तरफ रहता तो टूटने का कम चांस रहता, एक तो जाम होने के चलते, सर्विस टाइम से नहीं होने के चलते टूट जाता है, इसके पहले भी मैंने कितना वीडियो बनाया है। और इस मॉडल में देखिए इतना उठ गया ही। अब देखिएगा आप लैपटॉप पर ध्यान दीजिएगा, आप लैपटॉप पर ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको ओपन करूँगा, इस पैनल को जब ओपन करूँगा, देखिएगा यहाँ से उठ जाएगा, उठेगा तो ये देखिए लैपटॉप आगे का, देखिए लैपटॉप आगे की तरफ भागेगा, ये इधर के साइड में भागता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में होता क्या है कि कहीं फंस गया या बढ़िया से मूव नहीं किया, यहाँ रबर ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन अगर मूव नहीं किया तो वही क्या होगा कि फंसेगा, फंस के और लैपटॉप को उखाड़ देगा, पूरा हिंजे को उखाड़ देगा। ये देखिए कितना मूव कर रहा है, देखिए जब उठाएंगे तो उठ जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, कंपनी तो सोच के बनाया है किस लिए, कि ईयर पास करने के लिए, कि जब आप लैपटॉप को ओपन कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये यहाँ से उठ जाएगा, उठेगा तो कंप्लीट आपको ईयर मिलेगा। लेकिन इसका बैड रीजन ये भी है कि जहाँ ये फंसा, ये कोड बना हुआ है, कितने लोग क्या करते हैं कि बिस्तर पर बैठ के लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से ही बनाए हुए हैं, लेकिन होता क्या है ये कहीं फंस गया तो आपका हिंज तोड़ देगा। सक्सेसफुली हम लोगों ने रिपेयर कर लिया है, आप लोगों ने देखा कैसे कैसे किया मैंने, ठीक है ना, कंप्लीट कसा गया और अच्छी तरह से मूव भी कर रहा है। अब यही है कि कस्टमर को थोड़ा समझाना पड़ेगा। अपना लैपटॉप जो है रिपेयर हो गया और कस्टमर आएंगे, थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा कि भाई थोड़ा ढंग से यूज़ कीजिएगा,
क्योंकि थोड़ा सा गलती के चलते और इतना महंगा लैपटॉप आपका बर्बाद हो जाएगा। ये जो लैपटॉप है ये आपका एसर का एक्सटेंसा 215, एसर का एक्सटेंसा 215 मॉडल है और काफ़ी खूबसूरत और स्लिम लैपटॉप है। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है एक्सटेंसा। मैंने इसको सक्सेसफुल रिपेयर कर दिया है। अब कस्टमर आएंगे तो उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसा ऐसा बहुत प्रॉब्लम आते रहता है, प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाता रहूँगा, मिलता रहूँगा आप लोगों से। तब तक के लिए हमारे विश तिवारी ब्लॉग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, और एक चीज़ और, अभी आप इस तरीके के प्रॉब्लम से फेस करते हैं तो अगर आप नियर बाई मेरे लोकेशन में हैं छपरा में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वह है 9386274188। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, 9386274188। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप मेरे लोकेशन पर हैं तो। तब तक के लिए चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।